बच्चों, अब हम वेव्स चैप्टर में से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव या स्पीड ऑफ साउंड। और ये उससे पढ़ने से पहले ये एक टेबल पे आप स्टडी कीजिए। इसमें अलग अलग मीडियम दिए हुए हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, और उसमें स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में साउंड की। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि गैशियस स्टेट में जो साउंड की स्पीड है वो सबसे कम है और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता ही है कि साउंड जो है वो कैसी वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। और इस तरह की वेव्स का जो स्पीड होता है किसी मीडियम पे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी है मतलब वो कितनी जल्दी मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करने के बाद अपनी मीन पोजीशन पे आ जाते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो मीडियम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक होगा उतनी उसमें स्पीड ज़्यादा होगी साउंड की। और डिपेंड करता है साउंड की स्पीड उसके मीडियम के डेंसिटी पे। जो जितना ज़्यादा डेंसर होगा मीडियम, साउंड की स्पीड उतनी कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, है ना। देखो हाइड्रोजन गैस लाइटर गैस है ना, उसमें देखो कितनी है स्पीड, ज़्यादा है एयर से, है ना। और इसी तरह से ह्यूमिड जो एयर होती है उसमें भी स्पीड ज़्यादा होती है बजाय के ड्राई एयर के, क्योंकि उसमें लाइटर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मेटल्स में क्यों इतनी ज़्यादा है, मेटल्स की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके यंग के मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो 10^11 तक जाती है जनरली। पर साथ ही में आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वल्केनाइज रबर में जो है वो स्पीड बहुत ही कम है, 54 मीटर पर सेकेंड। इसका रीज़न क्या है कि इसकी डेंसिटी तो है 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन ज़्यादा है डेंसिटी भी। और जो यंग का मॉड्यूलस है वल्केनाइज रबर के लिए, उसकी वैल्यू 10^6 ही है, मतलब बहुत कम है यंग का मॉड्यूलस। तो और आपको पता है जो स्पीड वी है साउंड की, वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस फॉर सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो इसीलिए ये उसके बेसिस पे ही सब डिसाइड होता है कि किसी मीडियम में साउंड की वेव कैसी होगी, किसके बेसिस पे। इलास्टिक प्रॉपर्टीज जितनी ज़्यादा हैं स्पीड उतनी तेज़ होगी, और डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उतनी स्पीड कम होगी, क्योंकि हैवियर हो जाएंगे ना पार्टिकल्स, तो वो मूव नहीं करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे तेज़ी से। सब कुछ डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं मीडियम के मॉलिक्यूल, और कितनी तेज़ी से अपनी मीन पोजिशन पर वापस आते हैं। तो अब हम इसका डिटेल में स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ ही इसमें दो साइंटिस्ट का बड़ा हाथ था इसमें स्पीड को कैलकुलेट करने में। एक तो न्यूटन ने बताया था कि जो ये स्पीड का प्रोपोगेशन है ना किसी मीडियम में, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन फिर लाप्लेस ने उसके अंदर करेक्शन किया और बताया कि ये स्पीड का प्रोपोगेशन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। फिर उन्होंने फाइनली एक फार्मूला दिया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रॉ, है ना। अभी हम डिराइव करते हैं फार्मूला, तो एक बार रीड कर लेते हैं पहले। इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द साउंड वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रिफ्रेक्शंस ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स ऑफ एयर। दीज ऑल थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 9th। द इलास्टिक प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेस अंडर कंप्रेशनल स्ट्रेन इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम डिफाइंड बाय, जो कि आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था बल्क मॉड्यूलस के बारे में। तो बल्क मॉड्यूलस क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज शो करता है गैसेस की। बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, है ना, रेशियो है। हेयर द चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी प्रोड्यूसेस अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। बी हैज़ द सेम डायमेंशन एज प्रेशर एंड गिवन इन SI यूनिट इन टर्म्स ऑफ पास्कल। द इंटरनल इनर्शियल प्रॉपर्टी रेलेवेंट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज द मास डेंसिटी रॉ, है ना, विद डायमेंशन ML-3। सिंस
इंस्पेक्शन रिवील्स दैट क्वांटिटी बी अपॉन रॉ हैज़ अ रेलेवेंट डायमेंशन, है ना। जब आप इसका रेशियो देखोगे डायमेंशन का, तो आपको फाइनली आएगा बी बाय रॉ के इज इक्वल टू एल का एल की पावर टू टी की पावर टू इनवर्स। दस इफ बी एंड रॉ आर कंसिडर टू बी द ओनली रेलेवेंट फिजिकल क्वांटिटीज, तो वी के क्या हो जाएगा, सी रूट बी अपॉन रॉ। वेयर एज बिफोर सी इज़ द अनडिटरमाइंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वन के बराबर होती है, इसको हटा सकते हैं। दस द जनरल फार्मूला फॉर द लॉन्जिट्यूडनल वेव इन द मीडियम इज वी इज इक्वल टू रूट बी अपॉन रॉ। अब फॉर अ लीनियर मीडियम लाइक अ सॉलिड बार, द लिटरल एक्सपेंशन ऑफ द बार इज नेग्लिजिबल एंड वी मे कंसिडर इट टू बी ओनली अंडर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। इन दैट केस द रेलिवेंट मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यंग्स मॉड्यूलस विच हैज़ द सेम डायमेंशन एज द बल्क मॉड्यूलस, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस फॉर दिस केस इज द सेम एज बिफोर एंड यील्ड्स अ रिलेशन जिसमें कि सी को आप वन वैल्यू रख सकते हो, तो आ गया वी इज इक्वल टू रूट वाई अपॉन बी पी रॉ। वहाँ पे वाई क्या है, यंग्स का मॉड्यूलस है। तो देखा आपने कि जो स्पीड है साउंड की किस पे डिपेंड कर रही है, वो यंग्स मॉड्यूलस पे, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार। जितना ज़्यादा वाई की वैल्यू उतनी ज़्यादा स्पीड, ठीक है। तो ये स्टडी हमने कर ली है। लिक्विड्स एंड सॉलिड जनरली हैव हायर स्पीड ऑफ सॉलिड साउंड देन गैसेस। क्यों होता है, दिस हैपन्स बिकॉज दे आर मच मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस दैन गैसेज एंड सो हैव मच हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। सॉलिड्स एंड गैसेज हैव हायर मास डेंसिटीज दैन गैसेज, बट द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन बोथ द मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड इज मच हायर, है ना। हाई डेंसिटी होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा है, बल्क मॉड्यूलस और यंग मॉड्यूलस इतना ज़्यादा है उसकी वैल्यू की भी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब आप इसको, वी कैन एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इन द आइडियल गैस अप्रॉक्सीमेशन। किसी आइडियल गैस के लिए आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है किस तरह से रिलेटेड होते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। तो एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम, वी है के बी बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर गैस का केल्विन में। तो न्यूटन ने, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने कहा था कि ये साउंड का प्रोपोगेशन एक आइसोथर्मल चेंज है, तो आइसोथर्मल चेंज के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। तो अगर इसको रीअरेंज करोगे इस इक्वेशन को, तो ये बन के आएगी माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी इजिकल टू पी, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो बच्चों आपने तो अभी देखा था कि ये तो किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। बल्क मॉड्यूलस भी इसी इक्वेशन से दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है, बी कैन बी रिटन एज पी, मतलब बी और पी बराबर है। तो स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड हो करेगी, इज इक्वल टू रूट पी अपॉन रॉ, मतलब प्रेशर और डेंसिटी पर। ये न्यूटन ने दिया, न्यूटन का फॉर्मूला है, देखते हैं सही है कि नहीं है, है ना। उन्होंने अब आपको बोल रहे हैं कि एस्टिमेट करो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जब मास दिया है आपको एक मोल एयर का 29 × 10⁻³ kg। अब मास दिया है और आपको पता है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, है ना। आपको पता है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर वॉल्यूम कितना होता है गैस का, तो मास अपन वॉल्यूम करके आपने डेंसिटी निकाली, तो वो आई 1.29 kg/m³। और अब स्पीड निकाल लो, स्पीड इज इक्वल टू पी अपॉन रॉ अंडर रूट, तो पी की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। जब इसमें डिवाइड किया तो आपके पास साउंड की वैल्यू, साउंड की स्पीड निकल के आई 280 m/s। तो ये तो बच्चों आपको पता है एयर में साउंड की जो वैल्यू है स्पीड की, उससे बहुत कम आ रही है, तो इसका मतलब न्यूटन के लॉ में या न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ कमी है, कोई एरर है। तो ये 15% कम से कम स्मॉलर है, क्योंकि 331 m/s है ना 0° पे, ठीक है। तो ये तो हमने SCP पे निकाली है, तो भी उससे बहुत कम है जितनी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है इसमें एरर है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, लाप्लेस ने, इट वाज पॉइंटेड आउट बाय लाप्लेस दैट द प्रेशर वेरिएशन इन द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स आर सो फास्ट दैट देयर इज लिटिल टाइम फॉर द हीट फ्लो टू मेंटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब उन्होंने कहा कि जो साउंड का प्रोपगेशन है वो एडियाबेटिक तरीके से होता है, ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। मतलब उसमें डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो अब तो बदल गई आइडियल गैस की
इक्वेशन अब हो गई पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होती है ना एडिबेटिक प्रोसेस में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जहाँ पे गामा क्या है, ये रेशियो है दो स्पेसिफिक हीट का सी पी अपॉन सी वी। तो आइडियल गैस के लिए एडिबेटिक बल्क मॉड्यूलस इसी फार्मूले से दिया जाता है, तो हम इसकी जगह लिख दें गामा पी, है ना, लिख सकते हैं ना बीटा एडियाबेटिक के लिए। तो अब हमारा फार्मूला आ गया जो फाइनली जो डिराइव किया हमने कि गैस साउंड की वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट गामा पी अपॉन रॉ। दिस मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स फार्मूला रेफर टू एज लाप्लास करेक्शन। और आपको पता है कि गामा इसकी वैल्यू होती है 7/5, तो इसको यूज़ करके हम स्पीड जब निकाली उसकी साउंड की एसटीपी पे, तो हमको मिल गई 331.3 मीटर पर सेकंड, विच एग्रीज विद द मेजर्ड स्पीड, जितनी आनी चाहिए थी उतनी ही स्पीड आ गई। तो देखा आपने कैसे हमने स्पीड ऑफ साउंड निकालना देखा बाय दिस फॉर्मूला।